अगर मैं अमृत शरीर मिलता है तो इसका पूरी जिम्मेदारी होगी तेजप्रताप परिवार की। अभी कुछ देर जो व्यक्ति कह रहा था कि मेरी बॉडी के जिम्मेदार ये व्यक्ति होगा जो कन्विंस करके लाया वो झूठ होगा है। उदयपुर की सुनसान गलियों पे हम लोग आगे बढ़ते हुए करणी माता मंदिर के बगल से एक छोटू हम लोग को ले जा रहा है कोई गुप्त जगह, गुप्त स्थल जो कि बंद है ऑलरेडी। तो देखते हैं क्या मिलता है। और तेज प्रताप परिहार पूरी तरह से एक्साइटेड है। मैंने उसको कन्विंस कर लिया है ऊपर जाने के लिए। घंटा कन्विंस किया उसको। वो अपना माल बेचता है, वो देखो पुंगड़ी। अब वो माल छोड़ के हम लोग को लेके जा रहा है स्पेशली। अभी तक उसकी बात हुई नहीं है मेन मटेरियल की। जब बात होगी तब मज़ा आएगा क्योंकि मेन डीलर तो हमारे सामने है। ठंडा तो नहीं है? नहीं। तो अगर मैं मृत शरीर मिलता है तो इसका पूरी जिम्मेदारी होगी तेज प्रताप परिहार की और इनकी संस्था की जो कि मुझे लेके जा रहे हैं। संस्था का नाम नहीं ले सकता क्योंकि इट्स कॉन्फिडेंशियल। और छोटू का कोई ब्लेम नहीं है क्योंकि कन्विंस इन्होंने किया है, खुद ही उन्होंने कन्विंस कर दिया है वीडियो में। और ये पूरा जंगला मंगला उदयपुर के जो बिहड़ में तेंदुए पाए जाते हैं वो काफ़ी फेमस हैं, अभी भी जिंदा है वो इतने शिकार होने के बावजूद भी। हाँ बोलिए बोलिए। अरे इधर रुको तो सही, मैं बात करने दो। हाँ हाँ कन्वेंस इस सर पे हुआ है। बोले भैया आप वीडियो बनाते हो यूट्यूब की? मैंने कहा हाँ। बोले मेरी भी वीडियो डालोगे? मैंने कहा हाँ। बोले सिर्फ आपको तभी ले जा रहा हूँ ताकि ये मेरी भी वीडियो डालो। अच्छा जब लौटेंगे तब ना यार लौटेंगे। ये ऊँची ऊँची सीढ़ियाँ और सिटी वॉल लिखा हुआ है शहर कोट। और ये गुप्त दरवाजा और यहाँ पे पुराने प्रेमी पंछियों के नाम गुदे हुए हैं, है ना? चाहे तो तेज अपने माशुका का नाम लिख सकते हैं। नहीं नहीं मैं तो ये नहीं बोल सकता। वाव छोटू हाय बोल दो। हाय। क्या नाम है? सनी। सनी भाई, सनी भाई घुमाते हो हमको। यहाँ से सनसेट देखूंगा मैं। अच्छा यहाँ के डालना व्यू पूरा ज़्यादा अच्छा, तुम तो बोले वहाँ से डालूंगा। अच्छा वहाँ पे पीछे तालाब है ना, उसमें डूब जाएगा। तालाब में तो नहीं डूब जाएगा। छोटू वो वाला कौन सा तालाब है जो छोटा सा है वहाँ पे? वही वही मेरे को नहीं पता उधर। एक और है तालाब उधर है, बड़ी तालाब है उसका, उसी में डूबता लगता है। ये पूरा व्यू सही जगह लाया छोटू। आप बोलो। अभी कुछ देर जो व्यक्ति कह रहा था कि मेरी बॉडी के जिम्मेदार ये व्यक्ति होगा जो कन्विंस करके लाया वो छोटू होगा है। जब आप रेल से यात्रा करते हैं तो इंश्योरेंस आप लिखते हैं नहीं कि 0.11 पैसे में, तो इंश्योरेंस होता है कि नहीं होता? अब क्या ट्रेन जानबूझ के आपका एक्सीडेंट करेगी? नहीं करेगी, बोलना पड़ता है। तो इंश्योरेंस में कर रहा था अपना, है ना? तो जरूरी है क्यों? सही बोले ना? सही बोले एक नंबर। अरे गुड, देखो छोटे भी सही बोल दिया। हाँ ठीक है। चलो आ जाओ और आगे चलते हैं। टावर पे चलते हैं। टावर में चलते हैं। टावर पे चलते हैं। हम जाएंगे वहाँ पर स्टेशन। हाँ वहाँ पे एक रूम होता है मानती घर लिखा रहता है, उसमें आप 10 रुपए की पर्ची कटती है, आप डाल दो 24 घंटे के लिए मिल जाता है। वहाँ पे गार्ड लगा रहता है, आपका बैग की सुरक्षा करता है और आप घूम सकते हो शहर 24 घंटे। अभी तो हम लोग के 8 घंटे हुआ।
सुबह का हम लोग आए हैं 8 बजे, 8 से 8 8 से 8 6 घंटे हो रहे हैं, 6-7 घंटे मान लो, 8.5 घंटे हो गए। अच्छा ठीक है, टाइम कितना हो रहा है? 8 से 12 4:30 5 बज गए। हाँ तो अब बोलो 5 और 4 कितने, 9 घंटे हो गए। चलो 9 घंटे, तू तो बोलो 12 घंटे हो रहे हैं, ना तुम्हारा ना मेरा बीच का हो गया। हाँ यहाँ से भी तो उतर सकती है, वही तो बोल रहे हैं, बॉल थी ना, मैं बोल रहा था बॉल है। खैर अब नीचे नहीं जाएंगे, अब आ गए हैं तो ऊपर ही जाएंगे। अगर आप बीड़ी की शौकीन हैं तो यहाँ क्लासिक पा सकते हैं। हाय हाय हवा चल गई, हाय हाय हवा चल गई, लेकिन धूप भी तो है। हाँ जी हाँ जी, यहाँ पे मिल सकता जो आने वाला था। नहीं ऐसा नहीं है, उसको मालूम नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ है। देखो कितनी बड़ी सिटी है। अरे क्या डांस कर रहे हो, और डांस कर दिखाओ। अभी और नहीं आता है, कितना आता है, कौन सा कितना आता है, कितना आता है, इतना आता है, नहीं आता है, इतना आता है। हाँ ठीक है सही है। अभी दिया है क्या, अभी दिया है। नेचर, पूरे शहर का व्यू। हम इतनी ऊंचाई पे आए हैं गुड़िया के बाल खाने। तो खड़े तो घूम ले, पहले तो घूम ला, पहले 1 रुपए नहीं दिया है किसी को भी, नहीं थी पहले, मैं रोज जाता रहता हूँ। क्या बापे, मैं ज्यादा ज्यादा घूमता नहीं हूँ, खेलता हूँ। हाँ इसलिए मेरे को खेलना हूँ बापे, अच्छा लगता है। अभी तो काम कर रहा हूँ बापे, पहले पापा बेचते थे ये, इसलिए कोई रोकता ही नहीं। मैं आँख में क्या हो गया, बाई वाली आँख में क्या? अरे एक दिन क्या ठंड पड़ी थी ज्यादा, तो इधर का सूज गया। अच्छा ये छोटी होगी, फिर इसमें आंसू आ रहे थे, यूं यूं करा तो लाल होगी। अब इधर वाली तो बंद ही नहीं होती है। अच्छा इधर हो जाती है। तो दिखवाया नहीं इसको? दिखवाया नहीं, गया था 4-5 दिन हॉस्पिटल रोज। तो डॉक्टर कह रहे इधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ, इलाज नहीं कर रहे हैं ना। हाँ फिर ये इतना बड़ा था, ये अब इतना हो गया है, दौड़ा दौड़ा के अपने आप ठीक हो गया। कब की बात है ये, कितनी 3-4 दिन की है। हाँ फिर तो ठीक है, अभी और हो जाएगा ना। पहले से काफी कम हो गया ना, ठीक हो रहा है, थोड़ा दौड़ा के पूरा सही हो गया, ना दवाई दी ना कुछ दी, थोड़ा और दौड़ना ठीक हो जाएगा। पर्ची काट काट के पैसे ले, नहीं 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 सुनो, अच्छा पर्ची काट लिए, पैसे लिए ना, दिस इज इंडियन सिस्टम, ऐसे ठीक हो गया आप। ठीक है सही है, हीरो है अपना। पर्ची काटी 3-4 बस, बहुत सही, 10 रुपए वाली। हाँ वहाँ पे हॉस्पिटल कितने, 4-5 हॉस्पिटल एक ही जगह, बड़े बड़े सब, सब दूर दूर से सब यहाँ भी आते हैं इलाज करने। अच्छा हाँ यहाँ पे 4-5 हॉस्पिटल है। हाँ मगर इलाज किसी ने नहीं किया, पर्ची बस काटे है ना, पर्ची काटते सारे। हाँ कोई ठीक तो करे तो चला भी। पर्ची तो दवाई लिख के नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया। अरे राम बता तो रहा, पैसा दिया पर्ची काटी बस हो गया, बोला इधर जाओ उधर जाओ। मेरा टेढ़ा भी मुँह हो रहा है पता है? हाँ दिख रहा है, टेढ़ा भी मुँह इससे हुआ है इस 3-4 दिन से, पहले मेरा सब सही था। ठीक है अब आप गंगोरगढ़ जाओगे, मैं ही जाऊंगा वहाँ पे, अभी सो चलने वाला है वहाँ का। अच्छा हाँ नाचते बहुत सारे, नाचते कहाँ पे? लेडीज नाचती है राजपूतनी। अच्छा गंगोरगढ़ पे, मेरा घर पहले गंगोरगढ़ था। हाँ गंगोरगढ़, हाँ कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से वो मंदिर है सिटी पैलेस का, वो अमरा ही दिख रहा है उसके सामने, सिटी पैलेस के सामने। अच्छा हाँ मैं भी वही जाऊंगा अभी दोस्तों को मिलने, वहाँ से ही मैं मार्केट जाऊंगा, मार्केट से किचन लाऊंगा, किचन लाके फिर यहाँ बेचूंगा। चिकन किचन, किचन किचन मतलब वो छल्ले, छल्ले चाबी के छल्ले। अच्छा चाबी तो वो किचन बोलते हैं। हाँ किचन तो रसोई घर होती ना। हाँ हो गया, कीरिंग, कीरिंग भी तो कहते हैं, कीरिंग बोलते हैं, कीरिंग। मैं बस कीरिंग बोलती नहीं इसलिए किचन बोलता हूँ। हाँ ठीक है सही है, किचन भी कहते हैं आधे लोग। हाँ सही है, जो जिसको बोलना वैसे बोल सकते हैं। तो वो डांस कितने बजे शुरू होता है? क्या तो डांस के लिए तो फीस लगती होगी ना, एंट्री फीस वगैरह देखने के लिए है ना? 6 बजे से 7, 7 से 8 100 रुपए 200 रुपए है ना? कितना पैसा लगता है? 100 रुपए लगता है, 100, 120, 115 इतने लगता है। इसके अंदर से 170 रुपए लगे। और दीपावली के सीजन में तो कितने करा पता है? 200 कर दिए डायरेक्ट। आपको कैसे पता? मैं आया था, आया था लेकिन मैं ऊपर तक नहीं आया, डांस करने आया था। डांस करने नहीं, मैं आया था घूमने। फिर जब मैंने भीड़ देखी ना, मेरी शाम को 6 बजे ट्रेन थी वो सामने स्टेशन से, ठीक है, तो मैंने कहा यार मैं यहाँ पे आ गया था 3 बजे,
इतनी भीड़ बोला कि एक घंटा वेटिंग लगेगी, एक घंटा ऊपर का लगेगा, एक घंटा लौटने का लगेगा। हाँ। मैंने कि तीन घंटे में मेरी ट्रेन निकल जाएगी, मुझे दिल्ली जाना, ड्यूटी ज्वाइन करना है। हाँ। तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मेरे जो बाकी के लोग आए थे, मैंने कि तुम लोग घूमो, मैं चला गया। तब मुझे पता था दिवाली का, यहाँ जितने भी गुजराती आए, गुजराती कितने यहाँ पे लाए आए थे, कितने सारे गुजराती आए थे यहाँ पे पूरे इसमें दीपावली पे आए थे, 4 लाख। 4 लाख गुजराती, पूरी गाड़ी जो देखो वो गुजराती। हाँ। वो गुजराती। हाँ। प्राची कितना था, पुलिस वालों ने डंडा तोड़ तोड़ के उनको मारा। अच्छा, ऐसे पकाया। चलो, गाड़ी बिना पार्किंग के खड़े करा। हाँ। जो बोलना है सच बोलना है, बच्चे मन के सच्चे। बस यही होनी चाहिए लाइफ में, इतना कॉन्फिडेंस चाहिए क्या? बस सागर में तो इतनी गाड़ी तो की, इतनी गाड़ी, पुलिस वाले इतने पैसे आए होंगे पुलिस वालों के, तो मजे। मेरा काम होता है तो। अच्छा। सही है, ये नहीं करना पड़ता। हाँ, बिल्कुल सही है। वो डायरेक्ट वो गाड़ी लाता, एंगल तोक के ले जाता। हाँ, सही है। एंगल तोक के ले जाने का मतलब समझ गया? वो एंगल वाली गाड़ी। नहीं, एक सेकंड, आप समझे इसका मतलब क्या? इसने लाइन बोली एंगल तोक के ले जाता, इसका मतलब क्या है? वाइपर जो साफ करना। नहीं, मतलब ये था कि अपनी गाड़ी लाता, उनको उठाता और खुद उठा के ले जाता। अच्छा, टो ट्रक की बात कर रहा है। अच्छा, इसकी फीलिंग समझता है भाई की। वाला आता है ना, दोनों बदमाश हैं, दो पहिए से चलता है, पीछे के पहिए। हां, टो ट्रक लाने की बात। हां, वही वही, उसी उस पे फंसाता इनकी गाड़ी और उठा के ले जाता। वाह यार, छोटू दिन बना दिया तूने। पहले तो ना ये वाला रोप वे बहुत था, सज्जनगढ़ से लेके सज्जनगढ़। किला कौन सा ये बताओ? वो पहाड़ पे, वो तो मानसून किला है। नहीं, वो ये सज्जनगढ़ भी उसी को बोलते हैं। वो पहाड़ वाला है। हम तो मानसून किला मानसून। हाँ, वो उसको ही कहते हैं। अच्छा। तो वो है ना, वहाँ से मैं कितनी बार वहाँ पे मैं जाता कम हूँ। वहाँ पे ना घाटी है, यूं ही छड़ते हो, पैदल चढ़ने मजे नहीं आते। मैं फ्री में भी जाता हूँ वहाँ पे भी। वहाँ पे भी रोपवे है? रोपवे नहीं है, पहले था यहाँ पे, यहाँ तक कौन सा था वो बेल्ट वाला, बेल्ट सीट पे बैठ के डायरेक्ट जाते। वहाँ से यहाँ आते? एक दो बार हादसा हो गया यहाँ पे। अच्छा, स्लाइड वाला। अच्छा, स्लाइड वाला। हाँ। एक दो बार पानी में हादसा हो गया इसलिए। अच्छा। अब नहीं करते, रेनकोट भी पहना देते इसलिए बच जाता है। एक दो बार हुआ है तो लाइफ जैकेट कर दिया उधर से। अच्छा था पहले, बहुत अच्छा। अरे लेकिन खतरा भी तो है भाई, कितनी ऊंची पानी से। तो देखो। हाँ, पानी भी तो ये पानी में तो मैं नहाया हूँ, सच कह रहा हूँ, गंगोर घाट से लेके लेक पहले तक आया हूँ, इससे आगे नहीं आता हूँ। पानी काफी गंदा है यहाँ का, मटमैला टाइप का। अब ये गंदा क्यों हो रहा है? अभी कोई नहा रहा ही नहीं है। और कोई साफ करने वाले ही नहीं आ रहे। अच्छा। पहले हम नहाते थे ना, पहले खुद ही साफ कर देते थे। अच्छा, नहाते साफ कर। अब गंगोरगढ़ देखना, बहुत गंदगी हो रही है वहाँ पे। हमने रोज के ऐसे नहीं है, स्कूल से आते डायरेक्ट नहाते ही, घर पे नहीं जाते, डायरेक्ट नहा के फिर वापिस घर जाते, फिर घर जाके फिर वापिस नहा के फिर घर जाते। ऐसे ही सुबह जाते स्कूल, जब नहा के जाते। अभी तो ठंडी पड़ रही है, अभी तो नहीं कर सकते। हाँ, अभी मैं एक दिन यहाँ पे मैं ठंड से कही मैं नहाने गया था, मेरे को लग रही थी गर्मी। मैं गंगोर घाट गांव जाके इसको रखा मैंने, तो मैं डायरेक्ट कपड़ा खोल के कूद गया। तो अंदर जाके देखा तो मैंने इतना ठंडा, मैं जाना अब तो निकलूंगा ही नहीं। जब मैं कैसे कैसे करके निकला तो मेरे को पता ही नहीं पड़ा, मैं देर तक कहाँ पहुँच गया, आधा से ज्यादा पहुँच गया। मैं कह रहा जल्दी चलो वापिस, ठंड लग रही और हवा चल रही। जब मैं वापिस आया मैं कह रहा जान बची है, वापिस नहीं जाऊंगा। फिर मैं वापिस नहीं गया, कपड़े पहन के घर चला। इतना ही है, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। स्कूल नहीं जाते? स्कूल जाता हूँ। तो फिर ये बेच रहे हो? हाँ, ये बेच रहे हो? हाँ, अब ये बेच रहा हूँ, अभी सीजन का टाइम है। अच्छा, फिर गर्मियों में क्या है? कुछ नहीं है, गर्मी नहीं आते यहाँ पे लोग, कुछ भी नहीं आते लोग। तो क्यों? 100-200 रुपए नहीं आते। क्यों, ऐसा क्यों? गर्मी रहती, नहीं आते ना, गर्मी रहती है इसलिए। गर्मी में कोई खाता भी नहीं है ये। नहीं, ये नहीं खाता गर्मी, लोग अरे नहीं आते, कम आते हैं, कम आते हैं। गर्मी रहती ना, मैंने बच्चों की छुट्टी होती ना गर्मियों में, जब आते हैं जब ये खाते कम है ये ना। तो अभी भी कौन खाता है? कोई नहीं वो खा रहा, ले रहा था तुमसे। अभी तो ठंड में थोड़ा बहुत लेते, अभी है ना ये छोटे हो जाते, चिपचिपे हो जाते हैं, इसलिए गर्मी में कोई नहीं लेता। हां, टूरिस्ट नहीं आते क्या गर्मी में? आते हैं, ज्यादा से ज्यादा नहीं। अच्छा। अभी तो बहुत आते हैं ठंड में, ठंड में बहुत आते हैं ना, गर्मी में कम आते हैं। गुजराती ज्यादा आते हैं यहाँ पे, गुजराती। उतरते साथ तुम्हें बोला था मैंने, गुजराती आते हैं ना। ये सूरज पोल का रोड है, वो जा रहा है हाईवे पूरा, सूरज पोल का है वो। अच्छा। हाँ, तो बारात हो गई उसमें, मार्केट हो के आए हैं सूरज पोल की। अब मार्केट हो गया? हाँ। कितनी कैसी थी? मोचड़ी लेके आए, बढ़िया मस्त है। कहाँ है? बैग में रखी है। अच्छा, वो वाली बैग नीचे में रख दिया। हाँ।
और मार्केट आपको बताऊं और कौन सा है चीज आपको होलसेल से दिला दूंगा बताओ कहां पे बीच है क्या हाथी बोल हैं हाथी बोल होलसेल से अच्छा मेरे इतने जानकार है होलसेल से सब चीज दिलाऊंगा वेरी गुड जी आपको तो बोल दे रहा आप तो अब जाने का टाइम हो गया है अब आप इस गांव जा रहे हैं नहीं गांव नहीं आप तो दूसरे चित्तौड़गढ़ जाएंगे आप अच्छा चित्तौड़गढ़ जाओ यहां से सीधा आप राजीव पूरा दिन में आज एक यही घूमा है सब घूम लिया पूरे हां फतेह सागर लेक घूम लिया वहां बोटिंग कर ली उसका सिटी पैलेस आए सिटी पैलेस के बाद फिर बाजार गए बाजार से फिर यहां यहां से फिर ऊपर आ गए और सज्जनगढ़ नहीं गए सज्जनगढ़ नहीं वो भी ऐसे ही अभी आपको गंगोर घाट रह गए हां गंगोर घाट रह गया और अमरई घाट अमरई घाट कौन सा वो भी तो यही है कौन सा वो लेक पैलेस के सामने दिख रहा है पीला पीला पेड़ है तीन चार हां वो कोने पे ही है पेड़ एक वो अमरई घाट है वहां पे धड़क मूवी बनी थी अच्छा वो एक मंदिर एक मंदिर तो नहीं है उसके अंदर से कूदता है ना डायरेक्ट अमरई जाता है उस मंदिर से मैं रोज कूदता हूँ अभी तो नहीं गर्मियों में कूदता था रोज वहां से सीधा वहां जाते है वहां से गए फिर उस बच्चे को तोकते है ना उस सीढ़ियों से वीडियो मार रहा था चुटकी खिला रहे बच्चे को क्या हुआ चुटकी है चुटकी बजाओ इसमें तो पानी नहीं होती है अच्छा ऐसा है इसमें ठंडा होता है गला बस अच्छा मध्य प्रदेश को जानते हो मध्य प्रदेश मेरे चाचा गए थे एक बार एक बार मेहंदी लगाने गए थे तो मध्य प्रदेश कहाँ पर वो दिल्ली के इधर उधर है ना ग्वालियर ग्वालियर भिंड में ना हाँ ग्वालियर ग्वालियर पास से भिंड में ना ये तो ग्वालियर मेरे मेरे वो मेरे चाचा जी की शादी हुई है वहाँ पर ग्वालियर में अच्छा एमपी में कौन कौन से शहर है मतलब बड़े बड़े शहर एमपी में हाँ ये तो नहीं पता यूपी एमपी में तो मेरे को नहीं पता यूपी में मैं रहता हूँ भरतपुर में भरतपुर यूपी में तो ही ना आता रे यूपी पास में पड़ती है हमारे पास में पड़ती है भरतपुर राजस्थान में आता है हाँ राजस्थान में आता है भरतपुर के बगल में मथुरा है मस्त जोक मारा रे ये हंस रहे हलकट हंस पप्पू काट रहा है गोवर्धन गोवर्धन तो है वो तो कृष्ण जी का गोवर्धन पर्वत उठाए परिक्रमा में भरतपुर का हिस्सा आता है थोड़ा सा परिक्रमा हमने दी है दिए बाकी मेरे मम्मी पापा ने दिए बाकी तो मेरे छोटे भाई ने भी दिए मैंने नहीं दी मैं क्या यहाँ पे रुक गया मेरे को पता ही नहीं पड़ा वो वहाँ पे मजे ले रहे थे बाकी ना तो मजे ले रहा हूँ यहाँ पे बैंड बाजा वहाँ बज रहे थे ना तो नाचते नाचते गए थे अच्छा बिना चप्पलों के और मैंने तो 6 किलोमीटर दिए बस 21 किलोमीटर दिए वो मैंने फोके दिए 6 किलोमीटर परिक्रमा दो टाइप की तीन डांसे होती है पैदल चल सकते हैं दंडवत और एक वो रिक्शे में आते हैं ना जो आगे बोतल फसा लेते हैं टक 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 ऐसे बोल के आती गाड़ी उससे समझदार है ना ऐसे इंदौर का हर व्यक्ति समझदार है यहाँ पे भी समझदार नहीं है आधे बेबू इधर वाले तो सब पागल है आते हैं एक बार क्या हुआ यहाँ से आई ये मैंने बाहर रखा मैं जा टॉयलेट करने गया ना उन्होंने वहां से तोड़ के उस जगह ही आए मैंने कह रहा भाई साहब कहाँ जा रहे घर क्यों जा रहे उनके पैसे कौन देगा मैंने तो दे दिए तो मैं तो यहाँ खड़ा हूँ फिर वो मिले उनको आओ मैं दो भी दोस्त बैठे थे बास में भैया ना पकड़ा उनको बेल्ट उतारो अच्छा मारा नहीं बेल्ट उतारा डराया फिर उनके गुड़िया के बाल लिए हमने खुद नहीं खा लिए हमारे ही गुड़िया के बाल तो मारी थे बिल्कुल सही है छीन के ले गए वो अच्छा तो मतलब इधर वाले बेकार है इधर वाले कैसे ये एक नंबर है ये तो ऐसा क्यों है ये तलहटी में जो बसे हुए हैं ना स्टेशन के पास में क्योंकि इनको मारामारी करनी होती है 10-10 रुपए का हिसाब किताब करना देखो ऐसे इनका नाम खांजी पीर है अच्छा ये इनके कोई भी लड़का आता है ना लड़ाई जरूर करते अच्छा। और पिटके पिटके ही बहुत जाते पिटके जाना है ना ये ना चक्कू ज्यादा लाते हैं अच्छा। और हमारे इधर के साले बंदूके लाते मैंने यहाँ पे एक बार क्या लड़ाई हुई थी इधर के चक्कू लाए तो बहुत जने सारू के चक्कू थे और चेन थी इधर वाले दो चार बंदूक लाए वो तो आधे से ज्यादा गायब ओ भाई मारो मुझे मारो मैं भी भाई था हम देख रहे थे बात क्या होता है तुम्हारे पास लड़ाई होगी तो हम चले जाएंगे तुम्हारे पास था क्या हमारे पास तो कुछ भी नहीं था हाँ लेकिन खड़े थे सीना हमारा खड़ा था ना जलवा है हमारा बस बस मैं तो दोस्तों की बंदूकें देख रहा था अरे गुड और चाकू देख रहा था छर्रे बीनता तो अरबपति बन जाता
जाओ जाओ, तुमको जाना था ना कहीं, जल्दी जाओ। थैंक यू भैया, बाय बाय। चलिए ध्यान रखना छोटू। तो ये थी हम लोग की छोटू की छोटी सी कहानी उसकी जुबानी। और वो जाता हमारा छोटू, मेहनती और ईमानदार और दिलेर। तो अब थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है यहाँ से। होप छोटू का वीडियो आपको पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट विजिट में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। Thank you.